धर्मशाला में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में धर्मशाला में भाजपा की ओर से कई उम्मीदवार सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा नाम सामने आ रहा है जिससे प्रदेश भाजपा में खलबली सी मच गई है, या यूं कहें कि इस नाम की चर्चा अवाम होने लगी है। जी हां, वह नाम है पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का। इस नाम के चर्चा में आने से जहां धूमल गुट सोशल मीडिया में एक्टिव हो गया है, वहीं धर्मशाला में टिकट के चाहवान भी अब चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। अब ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर धर्मशाला से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को मैदान में उतारा गया तो सरकार के मुखिया की नींव भी हिल सकती है। अब ऐसे में समीकरण कई नए बन रहे हैं, लेकिन धर्मशाला के उपचुनाव में भाजपा हाईकमान किसे उतारती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी तक धर्मशाला में धूमल समर्थक शांत हैं और कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं और समय का इंतजार कर रहे हैं धूमल समर्थक। वहीं धूमल को टिकट मिलने के मामले पर क्या कहना था धर्मशाला के लोगों का, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रेम कुमार धूमल जो है वो पहले भी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, दो बार रह चुके हैं और अब उन्हें यहाँ पे उपचुनाव में ये सीट भी मिलती है, तो वो हमारे देश हिमाचल का विकास करेंगे और हमारे देश का, हमारे भारत का नाम रोशन करेंगे। धूमल का नाम चर्चाओं में चल रहा है। प्रेम कुमार धूमल पहले भी दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अगर उन्हें यहाँ से सीट मिलती है और वह इस बार भी मुख्यमंत्री बनते हैं तो वह यहाँ का विकास करवाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी यहाँ का विकास करवाया है। धर्मशाला से कई नाम सामने आ रहे हैं जिसमें पूर्व CM का भी नाम सामने आ रहा है कि वे चुनाव लड़ सकते हैं, आपका क्या मानना है? देखिए, ये तय करना तो भाजपा के कार्य अधिकार क्षेत्र में है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा सोचती है कि पूर्व CM को यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए तो ये धर्मशाला के लिए गर्व की बात है। धर्मशाला से एक ऐसा विधायक हमको मिलेगा जो प्रदेश की राजनीति के शिखर पर रह चुका होगा, तो ऐसे में धर्मशाला वासियों के लिए बहुत से मतलब आशाओं भरा एक नेतृत्व धर्मशाला को मिलेगा और वो कितना सफल हो पाते हैं ये अलग विषय। पिछले दिनों कांगड़ा में पार्टी के भीतर बिगड़े हालात पर कंट्रोल करने को किसी नेता के पहल ना करने और हालात सामान्य न होने के बाद ऐसी आवाज उठने लगी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार के सक्रिय राजनीति से बाहर होने और प्रदेश के सबसे बड़े जिला में नेताओं व कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में ना पिरो जाने के बाद ही ऐसे हालात बनते दिख रहे हैं। हालांकि जिला के अन्य नेताओं ने भी जनता को बड़ी उम्मीद दी थी कि वे इस सबसे बड़े जिला में पार्टी के भीतर एका कर हालात सामान्य बनाएंगे, लेकिन बदले हालात देखते हुए कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं से आगे आने का आह्वान करने लग गए हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, जिसे दूसरी राजधानी कहा जाता है, यहाँ पर उपचुनाव हैं और उपचुनावों में कई नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा की ओर से जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें से एक नाम अभी जो प्रेम कुमार धूमल पूर्व CM हिमाचल प्रदेश का सामने आया है, जिसके चलते सियासी खलबली देखने को मिल रही है और सियासत जो है अब गर्माती हुई नज़र आ रही है। जितने भी नाम हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, वे चुप्पी साधे हुए बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पूर्व CM प्रेम कुमार धूमल का जो नाम सामने आया है और ऐसे में जो चर्चाएँ हैं ये गर्म होती नज़र आ रही हैं। सोशल मीडिया में धूमल गुट एक्टिव होता नज़र आ रहा है, ये तो पार्टी हाईकमान का ही फैसला होगा कि आखिरी मोहर किसके ऊपर लगती है, किसके नाम के ऊपर पार्टी हाईकमान फैसला देती है, लेकिन नाम चर्चाओं में आना एक बड़ी बात है और धूमल का जो नाम चल रहा है वे धर्मशाला से उपचुनावों के लिए चल रहा है, ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि क्या धूमल धर्मशाला से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, ANV न्यूज़।